इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे हंगरी टी10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 5 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 5 BK और दोस्तों RE टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा रात के 8:45 से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मैच से रिलेटेड अपना स्मॉली का फाइनल टीम भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको इस मैच में किस तरह से प्लेयर को रोटेट करना है, कौन से प्लेयर दोस्तों आपके लिए स्मॉल लीग में इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड लीग में आप किस प्लेयर के साथ रिस्क ले सकते हो, टोटल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और रोटेशन पे दोस्तों ज़रूर फोकस रखिएगा, जो आपको कम्बिनेशन बनाने में डेफिनेटली इस मैच में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक ना। और कोई भी चेंजेज होगा जो मैंने अभी वीडियो में आपको टीम दिया है, एक तो आप टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे मैं आपको प्लेइंग 11 भी शेयर करूँगा, कौन सी टीम दोस्तों टॉस विन करती है इसके रिगार्डिंग भी टोटल अपडेट वहीं पे मैं देता हूँ, या कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो उनका स्टैट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। बात करें दोस्तों हम लोग BK और दोस्तों RE के मैच में कम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा HC1, जो दोस्तों लास्ट मैच खेल नहीं रहे थे इसी वजह से दोस्तों मैं राइट नाउ इन्हें टीम में नहीं रख रहा हूँ, बट दोस्तों ध्यान रखना खेलेंगे तो आपके लिए दोस्तों कैप्टन BC के ऑप्शन है, ठीक ना, तो आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको भीतेंद्रन का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों ओपन बैटिंग करने आ रहे हैं और बैटिंग से दोस्तों देखो एवरेज सा परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट क्या है ना, तो दोस्तों कि आपको एक मैच में ना 20-25 फैंटेसी पॉइंट एज अ विकेट कीपिंग से दे जाते हैं, बहुत अच्छे दोस्तों ये विकेट कीपर है, तो इसी वजह से इन्हें रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। अभी के लिए दोस्तों देखो मैं HC1 को टीम में नहीं रख रहा हूँ और इनके नीचे दोस्तों मैं HC1 को टीम में रख रहा हूँ, यदि दोस्तों HC1 खेलते तो फिर आप HC1 को ड्रॉप करके आप इन्हें रख लीजिएगा, ठीक ना, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। HC1 को मैं क्यों रख रहा हूँ मैं वो भी बताता हूँ, 18% सिलेक्शन है, लेकिन दोस्तों HC1 का जो रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस रहा है ना बैटिंग से बहुत अच्छा रहा है और सभी मैच में दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड नहीं तो दोस्तों सेकेंड राउंड बैटिंग करने आ जाते हैं और कुछ मैच में ओपन भी बैटिंग की है, तो डैट्स वाई दोस्तों मैं इन पर रिस्क ले रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो बैटिंग सेक्शन में SBUMRAH से थी आपके टीम के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर में से एक है दोस्तों, जो आपको दो ओवर तो डेफिनेटली बॉलिंग करके देंगे, बैटिंग से आपको इनको उम्मीद नहीं रखना है, ठीक ना, बैटिंग से आपको स्कोर करेंगे भी नहीं लेकिन बॉलिंग से आपको पॉइंट दे के जाएंगे। फिर नीचे का दोस्तों HC1 ओपन बैटिंग करने आते हैं, बस दोस्तों यही इनका एडवांटेज है क्योंकि दोस्तों देखो हिट एंड मिस टाइप का प्लेयर है और ऐसे प्लेयर के बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि ऐसे प्लेयर चलेंगे तो आपको दोस्तों 40-50 इजिली स्कोर कर जाएंगे, लेकिन दोस्तों नहीं चलेंगे ना तो आपको 10 से नीचे स्कोर करेंगे और ऐसे प्लेयर दोस्तों 5 मैच में देखो तो 2 ही मैच में चलते हैं, 3 मैच में तो डेफिनेटली फ्लॉप रहते हैं, तो अभी देखो लास्ट मैच में क्योंकि ये ओपन बैटिंग की है तो मैं टीम में रख रहा हूँ, लेकिन इनके जगह दोस्तों यदि ए पुरतन खेलता है इस मैच में तो डायरेक्ट इन्हें आप ड्रॉप करके इन्हें टीम में रख लेना, ठीक ना, ये वाला रोटेशन ध्यान रखिएगा। फिर नीचे दोस्तों HC1 टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं लेकिन दोस्तों बैटिंग से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है इसलिए ड्रॉप करके चलिए। पी हरिदास को दोस्तों GL में आप कंसीडर कर सकते हो, इनका भी दोस्तों सेम वही प्रॉब्लम रहा है, हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, बॉलिंग दोस्तों कर लेते हैं लेकिन बॉलिंग भी इन्हें सभी मैच में मिलता नहीं है, तो इसी वजह से मैं रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूँगा। नीचे दोस्तों आपको डिवाइन का ऑप्शन मिलेगा, जो लास्ट 2-3 मैच से नहीं खेल रहे हैं इसी वजह से आप इन्हें भी ड्रॉप करके चलो, हाँ खेलेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना आपको बॉलिंग से पॉइंट देंगे, ठीक ना, बैटिंग ये बहुत ही नीचे करते हैं लेकिन मैंने देखा है कि इनको इस टूर्नामेंट में बॉलिंग का चांस भी मिला है और आपको दोस्तों विकेट भी लेके दिए हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, तो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों GP Swamy आपके टीम के दोस्तों एक इंपॉर्टेंट कैप्टन BC के ऑप्शन है, आपको 2 ओवर का सभी मैच में बॉलिंग, साथ ही साथ दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगे, ड्रॉप दोस्तों नहीं कीजिएगा इन्हें।
फिर नीचे दोस्तों एस रामाचंद्रा दोस्तों बीके टीम के सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट बॉलर में से एक है दोस्तों, जो आपको दो ओवर तो डेफिनेटली बॉलिंग भी करके देंगे और अच्छे दोस्तों विकेट टेकर बॉलर भी है। फिर नीचे दोस्तों एस सचिन बॉलिंग फर्स्ट में दोस्तों इम्पोर्टेंट रखिएगा, बॉलिंग सेकेंड में दोस्तों आप इन्हें डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हो। और दोस्तों देखो यदि नीचे से दोस्तों जी गंभीर खेलता है, जो लास्ट तीन मैच से नहीं खेल रहे हैं, यदि ये खेलता है तो फिर दोस्तों आप सचिन के जगह इन्हें टीम में रख लीजिएगा, यदि ये ना खेले फिर दोस्तों आप सचिन पर सोचिएगा, ठीक ना दोस्तों। जो भी मैं रोटेशन आपको बता रहा हूँ, जो कुछ मैच से खेल नहीं ना रहे, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ प्रत्येक वीडियो में ऐसे प्लेयर के बारे में ज़रूर बता दूँ जो अच्छे किए हुए हैं लेकिन बीच में कुछ मैचों से खेल नहीं रहे हैं। ऊपर में आपको एक और ऑप्शन मिलता है दोस्तों एक गुप्ता, जो दोस्तों यदि खेलेंगे तो आपको दो ओवर बॉलिंग करेंगे, ठीक ना। बॉलिंग से देखो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, बट आप दोस्तों ड्रॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि एक तो दोस्तों इनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और दो ओवर बॉलिंग कर रहा है। पी कुल्ला को दोस्तों मैं ट्राई करना चाहूँगा नहीं। नीचे से एच चौहान का ऑप्शन मिलेगा, जो दो मैच खेले, एक मैच में 3 रन स्कोर किए और एक मैच में 27 रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर में दोस्तों दोनों मैच में बैटिंग करने आए थे, जीएल के लिए दोस्तों एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एच प्रम्बल को दोस्तों दो मैच खेले जिसमें एक मैच में बंदे को चांस ही नहीं मिला बॉलिंग से और एक मैच में दो ओवर बॉलिंग करके एक विकेट लिए। इन्हें दोस्तों आप जीएल में कंसीडर करना। एच चौहान को चाहो तो आप मिनी जीएल में भी रिक्स ले सकते हो क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों एस दिरी, जो दोस्तों लास्ट दो मैच से खेल नहीं रहे, तो इसी वजह से दोस्तों मैं अभी एस दिरी को टीम में नहीं रखूंगा, ठीक ना। क्योंकि जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था दोस्तों, इन्हें बैटिंग करते टाइमिंग ये चोटी लो गए थे और दोस्तों ये रिटायर हर्ट हो गए थे, डैट मीन्स बीच में ही दोस्तों ये चले गए थे, तो मे भी दोस्तों हाई इंजरी होगा तभी बंदा मैच छोड़ के गया है, तो इसलिए मैं इन्हें अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ। बट खेलेंगे तो डायरेक्ट दोस्तों आँख बंद करके कैप्टन कर देना, ठीक ना। फिर नीचे आइएगा दोस्तों ए जयसवाल, जो दो डेथ में आपको दो ओवर बॉलिंग करेंगे, डेथ बॉलर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेंगे, सिलेक्शन भी काफ़ी हाई है। फिर नीचे दोस्तों ई खान का ऑप्शन मिलेगा। ई खान दोस्तों ऐसा प्लेयर है ना कि इनके साथ दोस्तों कब क्या किया जाता है इनको खुद नहीं मालूम रहता है। किसी मैच में आपको बैटिंग करने नहीं आएंगे, किसी मैच में 5 नंबर पे और लास्ट मैच में दोस्तों ओपन बैटिंग करने आ गए। और बॉलिंग का भी दोस्तों सेम यही प्रॉब्लम रहा है, बहुत अच्छे बॉलर है लेकिन बॉलिंग इनको दिया नहीं जाता है। तो टीम में दोस्तों देखो 68% सिलेक्शन में रख रहा हूँ, लेकिन यदि से ऊपर से एस दिरी खेलता है तो ये तो 100% है कि ये ओपन बैटिंग करेगा और आपके टीम में 100% होने चाहिए, तो आप इन्हें ड्रॉप करके इन्हें रख लीजिएगा। लास्ट ऑप्शन दोस्तों मैं नीचे से जे बनापुली को टीम में रख रहा हूँ, बिकॉज दो ओवर बॉलिंग करेंगे और बैटिंग का चांस मिला तो दोस्तों आपको 10 से 15 रन बैटिंग से भी दे देते हैं। ए चना का दोस्तों लास्ट 3 से 4 मैच से नहीं खेल रहे, खेले तो दोस्तों जीएल में कंसीडर कीजिएगा। नीचे दोस्तों और कुछ खास ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक नाम दोस्तों मैं और बताना चाहूँगा, आर जॉर्ज, सिर्फ एक ही मैच खेले टूर्नामेंट में जिसमें आपको दो ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट लिए हैं, तो इस प्लेयर का दोस्तों ध्यान रखना, मात्र 1% 2% सिलेक्शन है लेकिन खिलाड़ी बहुत अच्छा है, ठीक ना। चलिए अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो कैप्टन दोस्तों मैं जी पलास्वामी के साथ जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन दोस्तों मैं अभी देखो तो बोमी सती का भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, या फिर दोस्तों नीचे से आप आर रामाचंद्रा को भी ट्राई कर सकते हो, या दोस्तों ध्यान रखना पी गैरी खेलता है तो उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है कैप्टन बीसी के लिए। ना खेलेंगे तो अभी मैंने इनको कैप्टन किया और वाइस कैप्टन दोस्तों मैं भूमी सेती को कर रहा हूँ। और अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद इस टीम में कोई भी प्लेयर नहीं खेलता है या दोस्तों कोई भी चेंजेस करना होगा तो फाइनल कॉम्बिनेशन मैं आपको फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक ना। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग अपने गिव अवे क्वेश्चन के बारे में, तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताना है कि इस मैच में दोस्तों जी पलास्वामी आपको कितना फैंटेसी पॉइंट देंगे, यही चीज़ दोस्तों आपको बताना है। लिखना कहाँ है दोस्तों, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लिखना कैसे है तो हैशटैग शर्मा फैंटेसी ग्रुप लिखिएगा और फिर नीचे दोस्तों जी प्लस स्वामी करके आपको जो भी लगता है ये कितना फैंटेसी पॉइंट देंगे इस मैच में आप दोस्तों आंसर लिखिएगा, ठीक ना। और हाँ, आंसर लिखने से पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपका जो आईडी होगा यूट्यूब आईडी उसका मेरे को ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा यदि आप दोस्तों विनर होंगे तो, ठीक ना। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।